यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास Realme 5 डिवाइस है और सॉफ्टवेयर अपडेट में जाने के बाद C.63 का हमको लेटेस्ट जो अपडेट है वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे फुल रिव्यू देने वाला हूँ C.63 के अपडेट का। अगर आप भी Realme 5, 5i, 5s डिवाइस यूज करते हैं तो जैसा कि यहाँ पे C.63 का लेटेस्ट अपडेट जो है जनवरी वाला हमको देखने को मिल गया है, आज के इस वीडियो के थ्रू मैं यहाँ पे फुल रिव्यू देने वाला हूँ C.63 के अपडेट का। और फ्रेंड साथ में मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे C.63 के फुल रिव्यू के बारे में। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, वीडियो को आप लाइक कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रोवाइड हो जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है तो टेलीग्राम भी आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट है Realme 5, 5i एंड 5s में उसके लिए, ठीक है। और यहाँ पे फुल रिव्यू की जो इन्फॉर्मेशन है वो देने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पे जब ये अपडेट रिलीज किया गया था तो मैंने इसके लिए भी इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करवाई हुई थी, ठीक है। ऊपर आई वाले बटन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, मतलब जैसे यहाँ पे अपडेट रोल आउट किया जाता है मैं वैसे ही तुरंत जो है अपडेट का जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है वो दे देता हूँ। और उसमें मैंने ये भी बताया था कि मैं आपको फुल रिव्यू की वीडियो जो है नेक्स्ट वीडियो तक जो है प्रोवाइड करवा दूंगा। तो फाइनली यहाँ पे C.63 का जो लेटेस्ट अपडेट है उसकी फुल रिव्यू की जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो आ चुकी है चैनल पे, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास Realme 5 डिवाइस है। जैसे हम जाते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट में और सॉफ्टवेयर अपडेट में जाने के बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे C.63 का हमको लेटेस्ट जो अपडेट है वो देखने को मिल जाता है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं इसमें आने वाले फीचर्स के बारे में, ठीक है। जो जो फीचर्स हमको मिले हैं C.63 के अपडेट में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे अपडेट लॉक की, तो यहाँ पे आपको दिसंबर 2020 एंड जनवरी 2021 का जो है यहाँ पे सिक्योरिटी पैच जो है देखने को मिल जाता है। साथ में अगर हम बात करें तो कैमरे को लेकर यहाँ पे सबसे बड़ा यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्रॉब्लम थी उनको यहाँ पे फिक्स किया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको पता होगा कि जैसे आप फोटो को क्लिक करते थे यहाँ पे प्रीवियस अपडेट में, मतलब कि यहाँ पे C.61 के अपडेट में अगर आप फोटो को क्लिक करते थे वहां पे थोड़ा सा डिले हो जाता था, मतलब फोटो क्लिक करने के बाद, तो यहाँ पे उस यहाँ पे प्रॉब्लम को जो है फिक्स किया गया है। साथ में जो यहाँ पे एल्बम को लेकर जो यहाँ पे कंटेंट था, यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी, ठीक है, फ्लैशिंग के बाद, तो उन प्रॉब्लम्स को यहाँ पे जो है फिक्स किया गया है। बात करें हम टूल्स के बारे में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टूल्स में भी जो है यहाँ पे चीजें जो है फिक्स की गई है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग फाइल को लेकर यहाँ पे और रिकॉर्डिंग जो लिस्ट है उसको लेकर यहाँ पे जो है फिक्स किया गया है। साथ में आप यहाँ पे देख सकते हैं स्प्लैश स्क्रीन को लेकर जो यहाँ प्रॉब्लम थी उनको यहाँ पे फिक्स किया गया है। तो ऑल ओवर अगर हम बात करें यहाँ पे कई सारे ऐसे फीचर्स जो कि रियलमी को यहाँ पे हमने एक्सपेक्ट किया था कि जनवरी तक जो है अपडेट देखने को मिल सकते हैं, बट रियलमी ने खाली यहाँ पे C.63 के अपडेट में खाली बग्स को जो है फिक्स किया है, यही वाला फीचर्स जो है यहाँ पे पुश आउट किया है यहाँ पे C.63 में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दिसंबर का जो अपडेट रोल आउट किया गया, मतलब इसमें दिसंबर एंड जनवरी दोनों का जो है अपडेट यहाँ पे कंबाइन करके जो है यहाँ पे पुश आउट किया गया है। आप यहाँ पे अगर आप फोटो को क्लिक करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको C.63 के अपडेट में यहाँ पे फोटोज को लेकर जो प्रॉब्लम थी वो यहाँ पे दूर हो सकती है, साथ में टूल्स की भी जो प्रॉब्लम थी यहाँ पे उनको दूर हो सकती है। तो फ्रेंड जैसा कि यहाँ पे C.63 में जो अपडेट मिला है हमको फोटोज को लेकर, मतलब कैमरे में जो भी प्रॉब्लम थी उनको जो यहाँ पे फिक्स किया गया है, ठीक है, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो जैसे हम कैमरे पे जाते हैं तो आपको पता होगा कि जो डिले की प्रॉब्लम थी उसको यहाँ पे फिक्स किया गया है। अब चलिए हम यहाँ से फोटो पिक्चर जो क्लिक कर लेते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे कोई डिले होता है कि नहीं होता, बिल्कुल भी यहाँ डिले नहीं हुआ है। तो मतलब इस प्रॉब्लम को यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है, तुरंत जो है एक्यूरेटली जो है फोटोज को यहाँ पे क्लिक होने के बाद जो है यहाँ पे इंस्टेंट जो है इनबिल्ड हो जा रही है, ठीक है। तो काफी अच्छा ये फीचर जो है एड किया गया है, मतलब ये जो से उनको फिक्स करके जो है काफी अच्छे इंप्रूवमेंट जो है प्रोवाइड करवाया गया है Realme की तरफ से। एंड फ्रेंड्स बात करें हम Realme 5, 5i, 5s में C.63 के अपडेट में बैटरी, यहाँ पे बैटरी को लेकर, ठीक है। जैसे कि आपको पता है Android 10 में यहाँ पे बैटरी ड्रेन बहुत जल्दी हमको देखने को मिलता है, ठीक है। अब ऐसे में कई सारी डिवाइस में सुपर पावर सेविंग मोड जो है देखने को मिल गया है, बट और यहाँ पे Realme 5, 5i, 5s में जो C.63 का अपडेट रोल आउट किया गया है इसमें भी जो है सुपर पावर सेविंग मोड अभी तक नहीं मिला है, बट यहाँ पे जो है इसके यूजेस के बाद ही यहाँ पे पता चलेगा कि यहाँ पे जो इसकी बैटरी है किस तरीके से, मतलब हालांकि Realme को बैटरी के ऊपर जो है ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट आपको पता है बैटरी एक मेन पार्ट होता है हमारे डिवाइस का, और बैटरी का बैकअप अगर अच्छा होता है तो हम ज्यादा चीज जो है यूज कर पाते हैं, ठीक है। अब ऐसे में कई यूजर्स के यहाँ पे डिवाइस के साथ ही प्रॉब्लम हो जाती है, बैटरी ड्रेन बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो आई होप कुछ Realme ने इसमें भी जो है यहाँ पे वर्क किया हो, या फिर आने वाले समय में जो भी अपडेट हो, जो भी अपडेट Realme पुश करेगा तो Realme इन चीज को जरूर से फिक्स कर दे, ताकि जो यूजर्स है उनको कोई प्रॉब्लम ना हो बैटरी यूजिंग के लिए या फिर चार्जिंग
चार्जिंग का कोई इशू रहता है इनको भी जो है फिक्स करना चाहिए रियलमी को। साथ में रियलमी के थ्रू जो नए फीचर्स उसको भी जो है ऐड किया जाना चाहिए आने वाले समय में, ठीक है, जो जो फीचर्स नहीं ऐड है। बाकी फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं जो लेटेस्ट अपडेट आया है वो मैंने अपडेट का पूरा रिव्यू आपको दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे ऑलमोस्ट ज्यादा कुछ फीचर्स जो ऐड नहीं किए गए हैं, थोड़े बहुत फीचर्स जो ऐड किए गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरी वीडियो जो है पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रोवाइड हो जाए। फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच।